हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी आर एक्स मेडी हेल्प में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लिबोफ्लॉक्स 500 mg टैबलेट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इस टैबलेट के बारे में कंप्लीट डिटेल, जैसे कि इसके क्या यूजेज हैं, इसको किस किस इंडिकेशन में यूज किया जाता है, इसकी डोजेज क्या है, देन लास्ट में हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, जो लिबोफ्लॉक्स टैबलेट होती है उसको सिप्ला कंपनी बनाती है और इसमें लिबोफ्लॉक्सासिन ड्रग प्रेजेंट होता है, जो कि एक एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल सभी प्रकार के बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। इसकी एमआरपी की बात करें तो दोस्तों, ये 10 टैबलेट की इसकी स्ट्रिप्स आती है जिसकी एमआरपी 90 रुपये है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की। तो जो लिबोफ्लॉक्सासिन है वो क्यूनोक्यूलोन ग्रुप का एक एंटीबायोटिक है, जो कि एक डीएनए गायरेज है, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने डीएनए की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह ये बैक्टीरिया बढ़ते हैं। तो जो लिबोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक होता है वो इन बैक्टीरियाओं की जो डीएनए की ग्रोथ होती है उसको स्टॉप यानी कि रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इस तरह जो लिबोफ्लॉक्सासिन है यानी कि जो लिबोफ्लॉक्स टैबलेट है वो काम करती है। देन अब हम बात करते हैं इसके यूजेज की, कि जो लिबोफ्लॉक्स टैबलेट है उसको हम किन किन इंडिकेशन में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको आप अगर किसी व्यक्ति को ENT इन्फेक्शन हो गया, यानी कि उसके ईयर, नोज, थ्रोट में कोई अगर इन्फेक्शन है तो वो इसको यूज कर सकते हैं। देन उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को या किसी भी महिला को UTI इन्फेक्शन की समस्या है, उसके मूत्र मार्ग में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, जलन हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस लिबोफ्लॉक्स टैबलेट का यूज किया जा सकता है। देन अगर किसी व्यक्ति को साइनसाइटिस यानी कि उसके जो नेजल्स हैं उसमें दिक्कत है, उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है, तो भी इस टैबलेट को यूज किया जाता है। देन इसके अलावा SSTI इन्फेक्शन यानी कि स्किन सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन, अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर छोटे छोटे दाने हो गए हैं यानी कि सॉफ्ट टिश्यूज हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया है यानी कि लंग्स में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट को यूज किया जा सकता है। देन उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की समस्या है, उसके जो एयरवेज होते हैं, जो श्वास नली होती है, उसमें अगर उसके इन्फ्लामेशन हो गई है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट को यूज किया जाता है। देन उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को ट्यूबरोक्लोसिस यानी कि TB की समस्या है, या किसी भी महिला को PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जो कि यूट्रस में जो सूजन आ जाती है उसकी अगर समस्या है, किसी व्यक्ति को गैस्ट्रोएंटेराइटिस की यानी कि आंत में कोई अगर इन्फेक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा लिबोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी डोजेज की, तो लिबोफ्लॉक्सासिन की डोजेज हर पेशेंट के हिसाब से उसके इंडिकेशन को देखते हुए अलग अलग हो सकती हैं, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। अगर हम इसके आइडियल डोज की बात करें तो जो लिबोफ्लॉक्सासिन 500 mg होती है उसको आप दिन में 2 बार तक यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं लिबोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के साइड इफेक्ट की, कि इस टैबलेट को लेने के बाद कौन कौन से साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। हेडेक हो सकता है, नौजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, डिजीनेस यानी कि चक्कर आ सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके अल्टरनेटिव ब्रांड के बारे में, कि अगर आपको लिबोफ्लॉक्स टैबलेट अगर मार्केट में नहीं मिलती है तो इसकी एब्सेंस में आप कौन सी और टैबलेट हैं जिनको आप ले सकते हैं। तो ये जो 8 मेडिसिन है वो भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएंगी, जो कि अलीबो 500 एलकेम की है, क्योर 500 अरिस्टो फार्मा की है, एल्सिन 500 लुपिन की है, एंड लॉक्स ऑफ आप जो सन फार्मा की है, देन उसके अलावा फाइनल आती है जो मैनकाइंड की है, और ग्लिबो 500 जो कि ग्लेनमार्क की है, और लिबोमैक आती है जो कि मैकलॉट फार्मा की है, एंड लियोन 500 है जो कि डॉक्टर रेडी द्वारा बनाई गई है। ये कुछ बहुत पॉपुलर मेडिसिन है, अगर आपको लिबोफ्लॉक्स नहीं मिलती है तो आप इनमें से कोई भी एक टैबलेट ले सकते हैं, बिल्कुल सेम रिजल्ट है और अच्छी कंपनी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको ये लिबोफ्लॉक्स टैबलेट यानी कि लिबोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी दी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।